मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई में राजस्व विभाग के बाबू श्री कृष्ण बोहरे को रंगे हाथ 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला भिंड जिले की मौत तहसील में स्थित जमीन का है, जिसमें भूमि स्वामी हरि सिंह राणा थे और हरि सिंह राणा ने जमीन के नामांतरण कराने के एवज में राजस्व विभाग का बाबू श्री कृष्ण बोहरे 20,000 रुपए की रिश्वत काफी समय से मांग रहा था, जिसकी शिकायत हरि सिंह राणा ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। आज तड़के सुबह के समय राजस्व विभाग का बाबू श्री कृष्ण बोहरे ने जमीन भूमि स्वामी हरि सिंह राणा को जमीन नामांतरण के एवज में 20,000 रुपए के लिए ग्वालियर सिटी सेंटर पर बुलाया था। इस दौरान मौके पर लोकायुक्त पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बाबू श्री कृष्ण बोहरे को रंगे हाथों 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा नाम हरि सिंह राणा। क्या पूरा मामला? नामांतरण करवाना था आपको मौजा इटाली में, मौजा इटाली मौके पास। मामला नामांतरण कराना था, जो बोले नामांतरण हो जाएगा, कुछ खर्चा वर्चा लगेगा। तुमने कितना लगेगा? पूरे 30,000 रुपये लगेगा। कौन मांग रहा था जी? क्या नाम था? श्री कृष्ण बोहरे। श्री कृष्ण बोहरे। बोहरे कौन सी पोस्ट है? क्या पोस्ट? बाबू है। मोटप्पा तहसील में। तो हमने लोग आए किसे मिले, हमने की ऐसी बात है 30,000 रुपये मांग रहा है, तो हमारी फ़ोन पे 20,000 रुपये पट गई। कल इनका बात भई तो वहाँ भिंड में एक्सीडेंट हो गया था इनका, तो बोले ठीक है नेत्रालय में आ जाओ वहीं पर जीत कर लेंगे। एक्सीडेंट किसका हुआ था? बाबू का कल एक्सीडेंट हो गया था। तो हमने कि वहीं बोले नेत्रालय में आ जाओ, जो ये क्या है जीवन नेत्रालय, उसमें आ जाओ तो वहीं बैठ के बात करेंगे और व्यवस्था जाना। ठीक है तो मैंने कितने जाना? बोले 20,000 रुपये। हम आए, हमने बातचीत करी, 20,000 रुपये दिए, आके उन्हें लोकायुक्त लोगों ने उनको पकड़ लिया। मेरे साथ ही आए थे। नामांतरण कराने के नाम पे 20,000 की मांग कर रहा। नामांतरण कराने की कितनी साल पुरानी बात है जी? तीन साल हो गए। तीन साल कभी से नहीं कर पा रहा। तीसरी साल जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरि सिंह राणा। ये आवेदक हैं हमारे हरि सिंह राणा, इनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में 1 मार्च को ये शिकायत की गई अपना मोबाइल प्रस्तुत करते हुए कि उनके पिताजी के द्वारा वसीयत 6 बीघा जमीन की वसीयत उनके बच्चों के नाम की गई थी, विकास राणा विवेक राणा के नाम पे, जिसके नामांतरण के लिए वर्ष 2018 में एक प्रकरण तहसील मऊ में उन्होंने आवेदन पत्र के आधार पर चला था, किंतु आवेदक के भाइयों द्वारा आपत्ति प्रकट करने के कारण वो नामांतरण नहीं हो पाया था। उस प्रकरण में अभी पुनः आवेदक द्वारा तहसील मऊ में संपर्क किया गया, तो वहाँ जो पदस्थ LDC हैं श्री कृष्ण बोहरे, उनके द्वारा आवेदक से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई और कहा गया कि वह नायब तहसील से जो है नायब तहसीलदार से आदेश पारित करवा देंगे, नामांतरण आदेश जो है आवेदक का वो पारित करवा देंगे। आवेदक द्वारा 28 फरवरी को स्वयं अपने मोबाइल से आरोपी की वार्ता 2 बार रिकॉर्ड की गई, जिसमें यह उस वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, जिसमें यह पाया गया कि आरोपी द्वारा पहले 30,000 रुपये की मांग की गई, जिसमें आवेदक के निवेदन करने पर 5,000 रुपये कम करके 25,000 रुपये की मांग की गई और बाद में 20,000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमति अंततः बनी। उसी मांग के अनुसरण में आज पहले आरोपी द्वारा अपने घर पर बुलाया गया और बाद में स्थान परिवर्तित करते हुए उसने कहा कि उसे चोट लगी हुई है और उसको पट्टी बंधी है, उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल जीवन ज्योति सिटी सेंटर जा रहा है, अतः वहीं पर आ जाएँ। तो पूरी टीम यहाँ आई और आसपास तैनात हो गई। आरोपी जब आया तो अंदर चेयर पर बैठा था, जहाँ आवेदक ने पहुंचकर उससे बातचीत की और रिश्वत राशि दी, जो आरोपी ने अपने दाहिने हाथ में उसको पकड़ लिया, उसी वक्त इशारा किया, पूरी टीम पहुंच गई, आरोपी के हाथ में पकड़ी हुई जो रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है और हाथ धुलवाने पर सोडियम कार्बोनेट वाटर गुलाबी आया है और मौके पर कार्रवाई की गई। मैं कविंद्र सिंह चौहान इंस्पेक्टर हूँ लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में और इस प्रकरण का विवेचक हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।